हेलो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे पास लेटेस्ट कैमराज हों, जो भी मिररलेस हैं, लेटेस्ट मिररलेस हों। लेकिन एक जो चैलेंज हमारे पास आता है वो ये है कि जब भी हम किसी नए मिररलेस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या हमारा जो पुराना एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इसे सपोर्ट करता है, क्या इसके जो नए लेंसेज हैं वो हमारी प्राइस रेंज में आ सकते हैं, हमारे बजट में आ सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम लोग अभी भी अगर या तो वो नया मिररलेस सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर मिररलेस सिस्टम यूज कर रहे हैं तो पुराने लेंसेज यूज कर रहे हैं। नए लेंसेज क्योंकि काफी महंगे लेंसेज हैं, आप किसी भी ब्रांड का उठा के देख लीजिए, आप जो भी अभी टॉप में ब्रांड्स हैं उनके अगर आप देखोगे, जो नेटिव लेंसेज हैं मिररलेस लेंसेज, वो काफी कॉस्टली हैं कंपैरेटिवली, अगर आप पुराने जो लेंसेज आया करते थे उनके कंपैरिजन में अगर देखते हो। तो हर किसी के लिए नए लेंसेज खरीदना बहुत मुश्किल है, तो कंपनीज ने भी धीरे धीरे इस बात पे सोचा और अभी जैसे हर कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में आई है जो कि कस्टमर की रीच में भी है, जो नया मिररलेस सिस्टम है उसके नेटिव लेंसेज भी हैं। नेटिव लेंसेज होने का थोड़ा सा बेनिफिट होता है, स्पेशली जब आप बात करते हो इमेज स्टेबलाइजेशन की, स्पेशली जब आप बात करते हो ऑटो फोकसिंग की, या आप बात करते हो क्वालिटी पैरामीटर्स की, तो हर मायने में जो नेटिव लेंसेज हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वीरेंद्र आपको ये बताने वाला हूँ कि कैनन का जो नया मिररलेस सिस्टम है, जो उन्होंने USR का सेकंड वर्जन अभी लॉन्च किया था, USR5 और R6, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे लेंसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि किसी भी ऐसे फोटोग्राफर के लिए जो वीडियोग्राफी भी करना चाहता है, अच्छे लेंसेज चाहिए वीडियोग्राफी के लिए, और जो स्टिल फोटोग्राफी भी करना चाहता है, तो लेकिन जो लेंसेज हैं वो बजट लेंसेज होने चाहिए और ऐसे लेंसेज होने चाहिए जो कि ऑलरेडी किसी न किसी पैरामीटर पर फिट बैठे हुए हैं, जैसे कि 35mm पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी या वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बढ़िया लेंस है। 50mm आई होप इसके बिना तो फोटोग्राफी अधूरी जैसी लगती है, हर किसी के पास ये मिलेगा आपको। तीसरी चीज़ 85mm जो कि फैशन और पोर्ट्रेट इन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और अब करंट सिनेरियो में वेडिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो इन तीनों लेंसेज के बारे में आज के स्टूडियो में बात होगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों लेंसेज कैनन के RF सिस्टम के लेंसेज हैं जो कि किसी भी ESR सीरीज के कैमरा पे माउंट हो सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि एज ए पोर्ट्रेट फोटोग्राफर आपको क्या चाहिए, तो आपको एक ऐसी रेंज चाहिए जहां पर आप 35mm से वाइड पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, जहां पर आप 50mm से स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, जहां पर आप 85mm से बोके के साथ, अच्छे बोके के साथ टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी रेंज जिसमें ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये सीरीज़ हमेशा हर किसी पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर या फिर वेडिंग फोटोग्राफर की फेवरेट रेंज रही है। जनरली अगर आप देखते हो, टेक्निकल बात करते हो, तो 35mm से नीचे के जो लेंसेज हैं उनमें डिस्टॉर्शन इतना ज़्यादा रहता है कि लोग उसे पोर्ट्रेट के लिए यूज़ करना पसंद नहीं करते, या प्रेफर नहीं करते। पसंद और प्रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द बजट, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन 35mm बहुत बढ़िया माना जाता है पोर्ट्रेट के लिए, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी मिलता है, थोड़ा सा वाइड एंगल लुक मिलता है, और आपके पोर्ट्रेट शानदार आते हैं। तो इस सीरीज़ में हम बात कर लेते हैं इन्हीं तीन लेंसेज पे जो कि कैनन के RF सीरीज़ के लेंसेज हैं, जिनमें सबसे पहला है RF 35mm f1.8 मैक्रो ISSTM, स्पेशली ये मैक्रो लेंस है। दूसरा है RF 50mm 1.8 STM, और तीसरा है RF 85mm f2 ISSTM। तो आज के भी ये वीडियो इन तीनों लेंसेज पे बना हुआ है। चलिए बात करते हैं वन बाय वन कि क्या है, किस लेंस में क्या है, कितनी इसकी प्राइसिंग है और क्या बेनिफिट आपको इसके मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं RF 35mm f1.8 मैक्रो ISSTM का। बेसिकली अगर आप देखो तो ये लेंस नया नहीं है, जैसे ही RF सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे ये इकलौता लेंस था जो सबसे सस्ता लेंस था, STM मोटर के साथ आया हुआ था। STM मोटर स्पेशली जब आप वीडियोग्राफी करते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है, बिकॉज बहुत लाइट वेट मोटर होती है और बहुत क्विक एक्शन लेती है, फोकसिंग बहुत शानदार होती है इससे। इस लेंस को सभी लोग जानते हैं, पिछले 3-4 सालों से हर कोई इसे यूज
कुछ करता आ रहा है। तो अगर आप इस लेंस की बात करते हो तो ये एक मैक्रो लेंस है। मैक्रो लेंस की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप किसी भी ऐसे पोर्ट्रेट को ले सकते हो जहां पर आपको ज्वेलरी शूट करनी है। लेट्स से जो मॉडल है उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, वो भी आपको शूट करनी है, या आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहते हो, वो सारी चीजों के लिए ये लेंस बेस्ट माना गया है। प्राइस वाइज बहुत अच्छा है। इसके जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है मैग्नीफिकेशन। 0.5x का आप मैग्नीफिकेशन ले सकते हो, मतलब कि आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो हाफ मैग्नीफिकेशन पे मैक्रो आपको उसका शॉट मिल सकता है। मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है 0.17 मीटर या 0.56 फीट। इसका मतलब ये हो गया कि इतना क्लोज आप किसी भी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके इतने क्लोज जा सकते हो। जनरली जब हम देखते हैं वेडिंग फोटोग्राफ हम शॉट कर रहे हैं और एक दुल्हन को शूट करना है जिसका मांग टीके का जो हम फोटोग्राफ लेते हैं जिसमें मांग टीका बहुत क्लियर आता है, उसके बाद नीचे सारा ब्लर ऑप्शन हो जाता है, तो उन चीज़ों में आप सिर्फ बोके ही नहीं ले सकते बल्कि आप उनका मैक्रो शॉट भी ले सकते हो। मतलब ये है कि जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है वो ज्वेलरी काफी शार्प और अच्छे कलर के साथ आएगी। बात करते हैं डायफ्राम ब्लेड की। डायफ्राम ब्लेड बेसिकली कुछ नहीं, सिंपली वो चीज़ें हैं जब आप किसी अपर्चर को यूज कर रहे हो तो उस टाइम पर जो ब्लेड्स आके अपर्चर को क्लोज या ओपन करती हैं उन ब्लेड्स को डायफ्राम ब्लेड बोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने ज़्यादा ब्लेड्स होंगे उतना ही शानदार आपका सर्कल बनेगा, और उतना ही जब आप स्टार बस्ट लेते हो किसी ऐसे अपर्चर को आप यूज कर रहे हो जो F8, F9, F14 है, तो उस टाइम पर जो स्टार बस्ट किसी भी लाइट सोर्स में से निकल के आता है वो लाइट सोर्स उतना ही शानदार निकलेगा अगर ज़्यादा डायफ्राम ब्लेड हैं। तो 9 डायफ्राम ब्लेड इसमें आपको मिलेंगे जिससे कि आपका जो सर्कल है वो एग्जैक्टली सेंटर हो सर्कल बन। ये एक बहुत हल्का लेंस है, सिर्फ 305 ग्राम का है। इवन जब ये ESR सिस्टम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ये सबसे हल्का लेंस था और सबसे सस्ता भी था। अभी जो इसकी कॉस्ट है वो 44,995 इसकी कैनन इंडिया की वेबसाइट पे इसकी MRP लिखी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं 85mm पे। 85mm का अभी जो RF वर्जन निकला है वो है RF 85mm F2 IS STM। ये बेसिकली RF के STM में एक और नई एंट्री है जो कि कुछ ही टाइम पहले लॉन्च किया गया है, और इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि 85mm का 1.2 वर्जन मार्केट में पहले से अवेलेबल है RF में, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लोग एकदम से हाथ डालने से डरते हैं, बट आप इस प्रोडक्ट के लिए बेहिचक इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे वो RF 1.2 अवेलेबल है, अभी आपको ये F2 में मिलेगा। अच्छी बात यह है कि एक लाइट वेट लेंस है, आपको सिर्फ 509 ग्राम का लेंस है। कंपेरेटिवली अगर आप देखो और जो RF सीरीज के लेंसेज हैं वो काफ़ी हैवी हैं, उनके कंपेरेटिवली बहुत सस्ता बहुत हल्का लेंस आपको मिलेगा, और ये एक STM लेंस है। अगर हम बात करें मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की तो 0.35 मीटर इतना आपको मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस इसमें लगेगा, या फिर आप 1.14 फीट इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली आपने देखा होगा हर लेंस के साइड में ही लिखा रहता है कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस से ये ऑटो फोकस शुरू करता है। अगर आपको मैनुअल फोकस लेना होता है तो आप उससे पहले से भी इसे शुरू कर सकते हो, बट ऑटो फोकसिंग के लिए आपको मिनिमम इतने डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है। डायफ्राम ब्लेड की बात करें तो अगेन 9 डायफ्राम ब्लेड्स हैं, यानी कि अगेन आपका जो बोके है वो सर्कुलर बोके बनेगा। ये लेंस भी अभी कैनन ने कुछ ही टाइम पहले लॉन्च किया हुआ है, और इसकी जो अभी मार्केट प्राइस है वो 52,995 रुपीज कैनन इंडिया के वेब पेज है। अब बात करते हैं RF 50mm 1.8 STM पे। इससे पहले हमने दो लेंसेज पे बात की, 35mm 1.8 और 85mm F2। ये दोनों ही लेंसेज इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ हैं। आई होप आप जानते होंगे कि कैनन के जो लेंसेज हैं उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन लेंस बेस्ड होती थी, तो ये दोनों लेंसेज इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ हैं, लेकिन जो 50mm है वो इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं, उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि बहुत कम कॉस्ट का आया है, 17,995 रुपीज़ का ही कैनन इंडिया की वेबसाइट पर भी आपको इसकी प्राइस मिलेगी, और अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इस लेंस के बारे में आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था RF 50mm 1.8, इससे
कैनन का सबसे सस्ता लेंस, ये वीडियो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है कैनन की वो तिकड़ी जो आई होप किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए बेस्ट बाय हो सकती है, बजट वाइज अगर आप बात करते हो, क्वालिटी वाइज अगर आप बात करते हो, फोकल लेंथ वाइज। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने थॉट्स मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।